Hey guys, this is Nabil Sharma. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन के बारे में. वे प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन, आप कैसे भी इसको बुला लें, बट काफी सारे लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं इनका और लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो ज्यादा बेटर है और किस किस साइड उनको जाना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए उनको. इस वीडियो में इस सब के बारे में मैं बात करूंगा, बट कौन सा बेटर है इस पे हम एंड में आएंगे. पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन प्लांट प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. वेलकम बैक गाइस. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, प्लांट प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन, सबसे पहली चीज हमारे जो मैटर करती है हमारी यहाँ पे वो है सोर्स. जो डिफर करती है सबसे ज्यादा चीज वो है यहाँ पे सोर्स. दोनों ही अलग अलग सोर्स से आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे आप बोलना चाहें, दोनों का सोर्स डिफरेंट है. प्लांट प्रोटीन ऑब्वियसली प्लांट से बनता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट से वो प्रोटीन जो होता है कंटेंट उसको यूज किया जाता है इनको मैन्युफैक्चर करने में. कौन से प्लांट्स, कौन से चीजें यूज होती है प्लांट प्रोटीन में, मोस्टली आपको सोय कंटेंट देखने को मिलेगा. सोय कंटेंट के अलावा आपको देखने को मिलेगा कई बार पी प्रोटीन आपको बहुत कॉमनली मार्केट में मिल जाता है. इसके अलावा कुछ और ऐसे जो वेजिटेरियन आप बोल सकते हैं वेज सोर्सेज हैं, जो कि ग्रीन सोर्सेज आप बोले, जो यूज किए जाते हैं प्लांट प्रोटीन को बनाने में. अब मैं बात करता हूँ वे प्रोटीन की. वे प्रोटीन प्लांट से नहीं बनाया जाता, बट लोगों को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है वे प्रोटीन को लेके. उनको ऐसा लगता है पता नहीं कौन से केमिकल्स इसमें यूज किए गए हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. वे प्रोटीन जो है वो यूज उसमें किया जाता है मिल्क को. दूध से बनता है वे प्रोटीन. दूध में से वे कंटेंट को अलग किया जाता है. कैसे निकलता है, जब आप दूध से पनीर बनाते हैं, पनीर बनने के बाद जो लिक्विड बच जाता है पीछे उसको वे बोला जाता है. उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया जाता है वे प्रोटीन. वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट, दो अलग अलग जो मेन मार्केट में अवेलेबल है टाइप्स वो मैंने आपके साथ डिस्कस की. ये थे सोर्स की बात जहाँ तक रही. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है दोनों में, वे प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन में जब हम बात करते हैं सोर्स की. अब आते हैं दूसरी मेन चीज पे, जो दूसरा मेन डिफरेंस है दोनों में वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन में, वो है अमीनो प्रोफाइल. अमीनो प्रोफाइल गाइस बहुत ज्यादा मैटर करती है. जब मैं बात करता हूँ किसी भी प्रोटीन की, कोई भी प्रोटीन आप ले लें, प्रोटीन का सोर्स या कुछ भी आप बात करें, अमीनो प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है. अमीनो प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, BCAAs, अमीनो एसिड्स जो उसमें प्रेजेंट है उनको हम यूजली देखते हैं एज अमीनो प्रोफाइल. क्या क्या मेन होंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं आपको ट्राई करना चाहिए एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन आप कंज्यूम करें, या फिर आप उससे उसके थ्रू आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें. कंप्लीट सोर्स की जब मैं बात करूँ तो उसमें आता है आपके EAAs जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए, नो के नो वहाँ पे होने चाहिए और एक अच्छी मात्रा में आपको मिलने चाहिए. उसके अलावा BCAAs आपको, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आपको प्रॉपर एक अच्छी मात्रा में मिलने चाहिए. और BCAAs के अलावा ग्लूटामिन इंपॉर्टेंट है एक वे प्रोटीन में. अगर हम बात करें जिस भी तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट को हम देखें, ग्लूटामिन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी होना चाहिए. इसके अलावा कुछ और अमीनो एसिड्स हैं, सब मैं आप वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, बट जितने भी आप लेबल के पीछे देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप एक बार चेक करें. हर प्रोटीन को लेने से पहले अमीनो प्रोफाइल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दोनों प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, तो यहाँ पे डिफर करेगी अमीनो प्रोफाइल. इंप्रेसिव किसकी होगी ज्यादा, ऑब्वियसली वे प्रोटीन की. वे प्रोटीन की अमीनो प्रोफाइल आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज करती हैं. वे प्रोटीन में भी अगर आप कोई सस्ता सा प्रोटीन उठा कर ले आती हैं, रॉ प्रोटीन किसी
जिम ट्रेनर से अपने आप ऐसे ही लोकल आपको उठा कर ले आती है, तो वहां पे आपको हो सकता है कि इंप्रेसिव अमीनो प्रोफाइल ना देखने को मिले। बट अगर आप एक अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का अगर आप परचेज कर रही हैं, कोई ब्रांड ले लें बट एक अच्छी ब्रांड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का अगर प्रोटीन सप्लीमेंट है तो अमीनो प्रोफाइल आपको अच्छी देखने को मिलेगी उसकी। ऑन द अदर हैंड प्लांट प्रोटीन अगर आप खरीदते हैं सप्लीमेंट, एक इंप्रेसिव अमीनो प्रोफाइल आपको उसमें भी जरूर मिलेगी बट कहीं ना कहीं वो लैक करेगा। अपर हैंड हमेशा रहेगा वे प्रोटीन पे, मैं बात वे प्रोटीन के पास अपर हैंड रहेगा अगर मैं बात करूं अमीनो प्रोफाइल की। वीडियो करते करते गाइस लाइट बंद हो गई है एंड आप गरीबी देखें पीछे, ये वाला जो पॉइंट है ये भी इन्वर्टर पे नहीं है, तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। जो मैंने अभी तक मेन जो दो चीजें आपके साथ डिस्कस की थी, अमीनो प्रोफाइल और जो सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर हम बात करें, ये दोनों में आपको डिफरेंस तो अब पता चल गया होगा, तो अब आपके लिए इजी होगा डिफर करना एक प्लांट प्रोटीन को और एक वे प्रोटीन को। आपको दोनों में मेजर डिफरेंस अगर पता चल गया है, अब आगे बात करते हैं इनमें से बेटर कौन सा है। अगर मैं बेटर प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करूं तो यहाँ पे वेरी करेंगी चीजें अलग अलग फैक्टर्स को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो है डाइजेशन। डाइजेशन कौन से प्रोटीन सप्लीमेंट की आपकी अच्छी होगी, फास्ट होगी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है एक प्रोटीन को दूसरे से बेटर बनाने में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वे प्रोटीन की, उसकी डाइजेशन काफ़ी फास्ट रहने वाली है कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आप कोई भी कंज्यूम करते हैं तो उसको आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है कंपेरेटिवली वे प्रोटीन सप्लीमेंट से। वे प्रोटीन सप्लीमेंट आप इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे अनलेस आप उससे एलर्जिक हैं या कोई भी इशू है आपको, लैक्टोज इंटॉलरेंट है अगर आप, तो इतना प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज लैक्टोज कंटेंट जो होता है वो मोस्टली जब हम वे को अलग करते हैं तो वहाँ पे अलग हो जाता है। वे में लैक्टोज कंटेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत होगी तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको डाइजेशन में टाइम लगे या वे प्रोटीन जो आपने परचेज किया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम हो। उसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, वे प्रोटीन के पास अपर हैंड है डाइजेशन में भी। अमीनो प्रोफाइल भी वे प्रोटीन की बेटर थी, डाइजेशन भी वे प्रोटीन की बेटर है। अब मैं बात करता हूँ प्राइस की। प्राइस अगेन वेरी करेगा ब्रांड टू ब्रांड। वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्राइस वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। ब्रांड आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको कुछ मिलेंगे 5000 में सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कुछ 3000 में, हो सकता है कुछ रॉ प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको 2000 के भी अंडर मिल जाएं। बट आइसोलेट प्रोटीन अगर आप लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट तो वो आपको 10000 तक भी पड़ सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड। प्लांट प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, सोय प्रोटीन तो आपको बहुत कम प्राइस पर मिल जाती है, उसके अलावा कुछ और प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है जो प्लांट बेस्ड हैं वो भी आपको कम प्राइस पर मिल जाएंगे। हेल्थ कार्ड का एक प्रोटीन सप्लीमेंट है प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट, उसका मैंने रिव्यू भी किया था, यहाँ पे कार्ड लगा है, इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकती हैं, वो भी आपको एक अच्छे प्राइस पर, डिसेंट प्राइस पर मिल जाता है। तो प्राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ पे अपर हैंड है प्लांट प्रोटीन के पास। बट क्या वो 1000 रुपये भी वर्थ हैं जो आप 1000 या 1500 प्लांट प्रोटीन पे लगा रही हैं? ऑफकोर्स वो वर्थ तो है बट आपको यहाँ पे देखनी है टाइमिंग्स अपनी। अगर वो वर्थ ना होते तो मार्केट में अवेलेबल ना होते, लोग उनमें इन्वेस्ट ना करते पैसा अपना, लोग खरीद रहे हैं, कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है पोस्ट वर्कआउट अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, अब मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ तो इसको ध्यान से सुने, कौन सा बेटर है इसके बारे में मैं बात करूंगा। बेटर तो ऑफकोर्स वे प्रोटीन है, अभी तक आपने खुद भी इतना कंक्लूड कर लिया होगा अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्राइस एक फैक्टर है आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो आप प्लांट प्रोटीन भी आप परचेज कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें पोस्ट वर्कआउट आपको प्रेफर करना है, आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करें। अमीनो प्रोफाइल भी अच्छी है उसकी, इंप्रेसिव है, डाइजेशन भी फास्ट है, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आपको लेना है दो मील्स के बीच में जस्ट प्रोटीन की वो पूरी करने के लिए रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे आप प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। या सोने से पहले आपको लेना है तो उसमें आप ग्लूटामीन ऐड करके थोड़ा सा आप यूज़ कर सकती हैं प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट को। डाइजेशन उसकी जो स्लो होगी वो आपके फेवर में काम करेगी, ये चीज़ आपको पूरी रात सप्लाई आपकी बॉडी में होती रहेगी, तो ये इससे आपका बेनिफिट होगा। प्लांट प्रोटीन खरीदने का रीज़न
सोर्स आपको अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स के या प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो आपको वेरी करते रहने चाहिए। अमीनो प्रोफाइल में जो डिफरेंस है, अलग अलग अमीनो एसिड्स आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलेंगे एंड जितने ज़्यादा सोर्सेज आप वेरी करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। तो आपका अगर बजट अलो करता है दोनों परचेज कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। अगर आपका बजट अलो नहीं करता और आप एक ही ले सकते हैं तो गो विद वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो बेटर है प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट से। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोज अगर चाहिए तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगी एंड आप हर वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।